नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जितिया या जीवित पुत्र का व्रत भक्ति और उपासना के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बिहार में इस पर्व को लोग अलग अलग नाम जैसे जीवित पुत्र का, जितिया या फिर ज्योतिया के नाम से जानते हैं। यह व्रत माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं। मान्यता है कि जितिया का यह व्रत माताएं अपनी संतान के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। यह पर्व विशेष तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मनाया जाता है। हालांकि इसके अलावा बिहार से सटे पड़ोसी देश नेपाल में भी इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। हालांकि इस साल बिहार में पंचांग के अलग अलग मत के कारण तिथि को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हमें मिली जानकारी के अनुसार हम आपके कंफ्यूजन को कुछ हद तक दूर करना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर इस साल माताएं किस दिन यह व्रत रख सकती हैं। मालूम हो कि हर साल यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 18 सितंबर 2022 से शुरू होगी और इसका समापन 19 सितंबर 2022 को होगा। इसके अनुसार इस साल यह व्रत रविवार के दिन 18 सितंबर को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण सोमवार के दिन 19 सितंबर को किया जाएगा। इस स्थिति को हम आपके समक्ष विस्तार में रखना चाहेंगे। शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत का निर्णय आश्विन कृष्ण पक्ष में जिस दिन चंद्रोदय काल में अष्टमी प्राप्त हो उस दिन लक्ष्मी व्रत तथा जिस दिन सूर्योदय में प्राप्त हो उस दिन जीवित पुत्र का व्रत करना चाहिए। काशी विश्वनाथ पांचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर दिन शुक्रवार दोपहर 1:36 पर हो रहा है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर दिन शनिवार की दोपहर 2:56 में हो रहा है। वहीं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 18 सितंबर दिन रविवार की शाम 4:39 तक हो रहा है। ऐसे में ज्योतिषों का मानना है कि जितिया व्रत 18 सितंबर को उदय तिथि में रखना विशेषकर होगा। मालूम हो कि जितिया व्रत के दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। व्रत के दिन माएँ सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ कर निर्जला उपवास करती हैं। वहीं अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ कर ब्राह्मणों को दान देकर विशेष खाद्य पदार्थ से अपना व्रत खोलती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। वहीं पारण के दिन गाय के दूध से व्रत खोलना इस बार अति शुभ माना गया है। यही नहीं, जितिया व्रत का पारण भी अपने आप में अलग महत्व रखता है। इस दिन व्रतियों के घर में कुल 7 तरह के भोजन व्रतियों को परोसे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से झोड़ भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ कि आपके यहाँ पारण के दिन क्या विशेषकर खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।